भीषण गर्मी के साथ ही इंदौर शहर में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। इसको लेकर कांग्रेस ने मैदान संभाल लिया है। इंदौर के हरसिद्धि जोन पर आज कांग्रेसियों ने रहवासियों के साथ अधिकारियों का घेराव किया। कांग्रेसियों के साथ क्षेत्र में लगातार हो रही पीने के पानी की समस्या को लेकर हरसिद्धि जोन का घेराव किया। दरअसल रहवासियों का आरोप है कि क्षेत्र में लगातार पीने के पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। लगातार निगम के अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी पीने के पानी की समस्या खत्म नहीं हो रही है, जिसके चलते रहवासियों को एक एक बाल्टी पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। लेकिन अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते परेशान हो रहे हैं। इसी को लेकर आज हरसिद्धि जोन पर हाथों में मटके लिए रहवासियों के साथ प्रदर्शन करने आए हैं। साथ ही जोनल ऑफिस के बाहर रहवासियों द्वारा मटके भी फोड़े गए। साथ ही क्षेत्र में जल समस्या का जल्द निपटान करने के लिए जोनल अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। जनता की समस्या दूर करो, दूर करो, दूर करो, पानी का संकट दूर करो, दूर करो, दूर करो। नगर प्रशासन मुड़ता प्रदर्शन आंदोलन नहीं है, आपकी हर बात को सुनी जाएगी, अपने समस्याओं का समाधान मांग रही जनता। आप बोल रहे हो कल से सूचना दे दी है, नहीं नहीं किसको लगाया, आप भी आधे घंटे से ज्यादा जी। आपके यहाँ पे सारे आप किराएदार हैं, ठीक है, आपका जो भी मालिक जो है वहाँ पे, ठीक, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं आपकी कर रखी है, फिर भी निगम के कर्मचारी किसी से भीख मांगते, हम तो हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो हमारा हक मांगते। नगर निगम हाय 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 हाय, नगर निगम हाय। एक्चुअली यहाँ पर जो लोग एकत्रित हुए हैं, ये जायसवाल की चाल के क्षेत्र के लोग हैं। जहाँ पर जायसवाल की जो चाल है वो एक्चुअली एक प्राइवेट लोग की जगह है, जहाँ पर इन लोगों को किराए पर दिया हुआ है। इन लोगों के पास मैं चूँकि किराएदार है, इन्होंने कोई आवेदन नहीं, कोई कुछ नहीं है, ना ही कोई पानी की व्यवस्था है। इनकी व्यवस्था के लिए नगर निगम तरफ से वहाँ पर काली टंकी रख करके पानी की व्यवस्था की गई है। चूँकि इनका मालिक जो जिसके ये किराएदार हैं, यदि वो कनेक्शन के लिए अप्लाई करता तो फिर हम वहाँ पानी की लाइन डाल करके पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मकान मालिक द्वारा कोई इस तरह का कोई आवेदन नहीं है और ये लोग परेशान नहीं हो, इसलिए हमने अपनी तरफ से ऑलरेडी व्यवस्था की हुई है, जहाँ पर पानी टंकी रख करके उसमें पानी की व्यवस्था करते हैं। कभी उसमें हमारा सामाजिक तत्व तोड़दार फोड़ कर देते हैं, जिससे कभी कभी दिक्कत आ जाती है, उसको हम निरंतर ठीक करा देते हैं, करते रहते हैं। गंदे पानी की शिकायत में नियमित क्या है कि रेगुलर सीवर लाइन की सफाई का काम भी चलता रहता है और ये समस्या कभी कभी आ जाती है। जब कभी लाइन चौक हो जाती है, लाइन क्लियर हो जाता है, तो वो समस्या भी समाधान हो जाता है। मैं जोनल अधिकारी जोन क्रमांक 12 हरसिद्धि जोन। अभी जो गर्मी में जो जल समस्या हो रही है, तो इसको देखते हुए जयसवाल की चाल, लालबाग लाइन, राजमहल में भीषण पानी की समस्या आएगी, तो यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ये सभी जो लोग आए हैंगे, इन लोगों को पिछले 15 दिन से टैंकर की मांग कर रहे हैं, नर्मदा का पानी नहीं आ रहा है। इसको देखते हुए ये लोग बहुत मतलब 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से पानी लेके आ रहे हैंगे, तो उसी की समस्या को लेके इन लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से मटके फोड़े और मटका और ज्ञापन उनको भेंट करा जोनल अधिकारी को। उन्होंने बोला निराकरण करेंगे, यदि वो इस चीज़ का निराकरण नहीं करते हमारी समस्याओं का, तो एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। और बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे ड्रेनेज की लाइन है जयसवाल की चाल में, एक गार्डन का अवैध निर्माण हो रहा है, जिसमें कि बीजेपी के लोगों के संरक्षण में उसमें ब्लॉक लगा दिए गए हैं,
तो उस पर ना उनकी जेसीबी वगैरह खड़ी होती है और जो कि वो उद्यान की जगह है लेकिन फिर भी उसमें ना अतिक्रमण करा जा रहा है और सब ये जेडो साहब और जो इंजीनियरों ने इन लोगों की मिली भगत से। अंकित यादव मंडलम अध्यक्ष वार्ड क्रमांक 66।